हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो अभी हम लोग हैं मथुरा में और अभी चल रहे हैं वृंदावन प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन करने। अयोध्या से हम लोग श्री राम जी के दर्शन करने के बाद सीधा आ गए थे मथुरा और अभी हम लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं वो आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं। ये है गेस्ट हाउस जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। ये मेन मथुरा मार्केट से थोड़ा सा ही दूरी पे है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। और ये हम लोगों को पड़ा है 500 रुपए में। एक बाथरूम है और एक मिरर है और एक फैन है और एक लाइट है और एक क्या डबल बेड का है, एक कंबल है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करने। वैसे बता दूं, अगर आप लोग कभी मथुरा आना तो एक दिन का टारगेट बना के मत आना, एक दिन का शेड्यूल बना के मत आना, क्योंकि यहाँ पे पूरा घूमोगे आप लोग, मथुरा के बारे में पूरा जानोगे, कृष्ण जी के बारे में जानोगे, तो लगभग 3 दिन मिनिमम लगेगा। फटाफट अभी चलते हैं प्रेम मंदिर, फिर दिखाते हैं आप लोगों को पहुँच के। जय श्री कृष्ण। तो अभी हम लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे उसको थोड़ा दिखा देते हैं बाहर से। ये रहा कावेरी गेस्ट हाउस। ये पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में, यही से एंट्री गेट है इसका अंदर जाने का। और अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से ऑटो लेके, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास होगा प्रेम मंदिर। तो फटाफट ऑटो पकड़ते हैं और सीधा चलते हैं, क्योंकि शाम के 4 बजे मंदिर ओपन होती है, दोपहर में थोड़ा बंद रहता है। तो यहाँ से निकलते हैं और दिखाते हैं आगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर से थोड़ा सा ही पीछे और ऑटो वाले भैया ने रास्ते में ही उतार दिया। प्रेम मंदिर थोड़ा सा आगे है, वहाँ पर मंदिर हम लोगों को दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। तो सीधा चलते हैं, अभी लगभग 100-150 मीटर आगे जाना है, उसके बाद चलते हैं, दिखाते हैं कैसा है प्रेम मंदिर। वैसे प्रेम मंदिर काफ़ी सारे लोग देखे होंगे, बट मेरे ब्लॉग वाले जो नहीं देखा होगा, जो मेरा ब्लॉग देखता है, आज उन लोगों को भी दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं। अगर ऑटो से नहीं आना चाहते हो, अगर ऑटो का रेंट किराया ज़्यादा लग रहा होगा, तो आप सीधा इलेक्ट्रिक बस से भी आ सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस भी काफ़ी सारी चल रही हैं जो सीधा बस स्टैंड से आती हैं और यहाँ तक आपको छोड़ेंगे। वैसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं, आप जहाँ जाना चाहते हो उससे जा सकते हो। सीधा सीधा देख रहे हो, ये दोनों आपस में ही लड़ रही हैं। वो बोल रही हूँ मैं लगाऊंगी, वो ये बोल रही मैं लगाऊंगी। अच्छे से लगाना, वीडियो में अच्छा है। अरे लग गए अम्मा, क्यों उठा रही है? लगे लगा पे मत लगाना। चाचा भाई फोड़ रहा था, देख रहे हो लूटा लूटी चल रहा है। ये लोग अपने में ही लड़ रही हो, ये बोल रही मैं लगाऊंगी, ये बोल रही मैं लगाऊंगी। और अभी हम लोग जस्ट प्रेम मंदिर के सामने खड़े हैं, अभी गेट खुलेगा 4 बजे। अरे रुक जाओ दादी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतना मत लगाओ। पैसा एक ही को मिलेगा, किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा, बिना पैसा दिए चले जाएंगे। जबरदस्ती काहे लगा रही है फिर? हाँ क्यों, मना किया तो क्यों लगा रही है जबरदस्ती? तो ये रहा गाइस प्रेम मंदिर, अभी गेट ओपन होने वाला है, देख सकते हो बाहर कुछ इस तरीके से दिखता है और काफी ज्यादा भीड़ भी है इधर, लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। और अभी गेट ओपन होगा, फिर चल के अंदर दिखाते हैं। तो अभी गेट खुल चुका है गाइस और चल रहे हैं अंदर। और अंदर जाने से पहले पहले चेकिंग हो गई और यहाँ पे देख सकते हो ये सब नहीं ले जा सकते, बट इसमें से कुछ कुछ चीजें ले जा सकते हो, जैसे कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा नहीं मोबाइल ले जा सकते हैं। तो अभी आ गए हैं प्रेम मंदिर के अंदर और दिखा दो थोड़ा आप लोगों को बाहर से। ये है इसका मेन गेट जहाँ से एंट्री करोगे और इधर बगल में कुछ कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं जहाँ गोपियों के साथ डांस वांस नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ सामने मंदिर है, देख रहे हो कितना बड़ा कितना प्यारा मंदिर लग रहा है। और इसके जस्ट साइड में यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी नाग के ऊपर बैठ के नृत्य कर रहे हैं। और इसके अगल बगल देखो थोड़ा बहुत बनाया भी गया है। और अभी चलेंगे थोड़ा सा और अंदर, दिखाते आप लोगों को। मंदिर के बगल से आप लोगों को अंदर जाने का रास्ता मिलेगा जहाँ पे पीछे भी कुछ बनाया गया है, चल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के जस्ट पीछे और यहाँ पे देख सकते हो कृष्ण भगवान जी को काफ़ी उनका पूरा जीवन शैली दिखाया गया है। यहाँ पे गाय चरा रहे हैं जहाँ ग्वालों के साथ। और उसके जस्ट बगल में ये देख रहे हो कितना प्यारा प्यारा बना हुआ है। यहाँ पे है गाइस कृष्ण जी, जब महाभारत का सीन दिखाया गया है इसमें, ये जब पांडवों को दिशा निर्देश दे रहे थे जब युद्ध हो रहा था, तो उसी टाइम का दिखाया गया है। सामने है कृष्ण भगवान जी, उनके पीछे हैं अर्जुन जी हैं। मंदिर के पूरे चारों तरफ आपको घूमने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इधर से जैसे ही अंदर आओगे एक चक्कर ऐसे घूम के आना है और इधर से एंट्री गेट से दर्शन करना है आपको। और जैसे ही इधर से आओगे देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग फोटो वोटो भी खिंचा सकते हो, जहाँ पे कृष्ण भगवान के छोटे से लेके बड़े तक के पूरा जीवन शैली दिखाई गई है। और यहाँ पे गोवर्धन पर्वत ही है जिसको कृष्ण भगवान जी ने अपनी कानी उंगली से उठा के रखा हुआ है, छोटी वाली उंगली से। ये देख रहे हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, वो रहे कृष्ण भगवान जी। अभी चलते हैं दर्शन करने, बट जाने से पहले जूता उतार के रख देते हैं यहाँ पे और उसके बाद चलेंगे अभी दर्शन करने। तो ये मंदिर के बारे में सारा चीज़ बताया गया है, कब कब ओपन होता है, कब कब बंद होता है और कब म्यूजिकल फाउंटेन सारा चीज़ चलता है। आप लोग वीडियो को रोक करके भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो कब बंद रहता है। वैसे बता दूं शाम को जब बाहर का व्यू आता है ना वो काफ़ी प्यारा आता है। अभी देखना, अभी हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे फिर आप लोगों को सारा जो लाइटिंग कंडीशन है यहाँ का, जो लाइट जलता है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं दर्शन करने फिर दिखाते हैं।
यहाँ से गाइस दर्शन करने के बाद यहाँ से ऊपर चलेंगे, ऊपर भी कृष्ण जी का मूर्ति बना हुआ है। यहाँ पे सामने पर्दा वर्दा लग जाता है, हमेशा ओपन नहीं रहता है। अभी चल रहे हैं ऊपर, यहाँ पे भी कुछ भगवान है, देख रहे हो गाइस झूमर कितना प्यारा दिख रहा है भाई, क्या ही खतरनाक झूमर है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे भी है कृष्ण भगवान जी का मूर्ति है, जहाँ पे दर्शन कर सकते हो, बट अभी पर्दा बंद हो गया है, लगभग आधे घंटे बाद खुलेगा। और ये रहे सामने, यहाँ पे देखो गाइस कृपालु जी महाराज जी हैं, और अभी यहाँ से हम लोग चल रहे हैं बाहर। वैसे बता दूं, अगर आप लोग प्रेम मंदिर घूमना चाहते हो तो लगभग शाम के 4 बजे के आसपास आना, फोटो भी काफी अच्छी आएगी और नाइट व्यू भी देख लोगे। अभी मंदिर का लाइट जल चुका है और देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ये लाइट बार बार चेंज हो जा रही है। और चारों तरफ मंदिर के आसपास भी जितने सारे चीजें हैं देखने वाले, वहाँ पे भी लाइट चालू हो गया है। और ये मंदिर देख रहे हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। अभी गाइस काफी सारे लोग डांस कर रहे हैं देख सकते हो, और यहाँ पे काफी तगड़ा माहौल है यहाँ का। ये देखो गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो काफी सारे लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो अभी हम लोग आज बस इतना ही घूम पाए हैं, अब चल रहे हैं रूम पे अपने, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं होटल में। और देख सकते हो यहाँ पे एंट्री जो गेट है वहाँ पे भी काफी तगड़ा लाइट जल रहा है, मतलब चारों तरफ लाइट और काफी तगड़ा डिजाइन बना हुआ है। और प्रसाद यहाँ से ले जाके चढ़ा सकते हो। फाइनली हम लोग दर्शन वर्शन कर लिए हैं और सारा चीज यहाँ का घूम चुके हैं, और अभी निकल रहे हैं रूम की ओर क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। और आप लोग अगर यहाँ पे भी आते हो प्रेम मंदिर, तो इससे थोड़ा सा ही आगे बांके बिहारी जी का भी मंदिर है, वहाँ भी घूम लेना। अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, अगर पहले जाना चाहते तो जा सकते थे, बट अभी टाइम नहीं बचा है तो अब सीधा चल रहे हैं रूम की ओर। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। राधे राधे, राधे।